आई थिंक इसे कह सकते हैं सूरज अस्त और बादल मस्त। चप्पल खोलने लगी, ये को फट ऐसे करके आगे को निकल गई, फिर ऐसे करके चाय सब चटाई में ला दी। और खाली बैठने से ना जॉब है ना कुछ है, कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो करे। ये राल मोड़े का वेदर जो गर्मियों में भी लगता नहीं कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, एहसास नहीं रहता कि गर्मियाँ शुरू हो गई है। दूर दूर तक बहुत ज़्यादा कोहरा है, लगता नहीं कि आज भी धूप आएगी करके। खतरनाक धुंध के साथ आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। फिलहाल अभी तो नीचे चलता है क्योंकि बंदर भी आ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर और आप सबको हमारा नमस्कार प्रणाम पहला। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी बढ़िया है और कितने बढ़िया है ये आप जानते हो कि यहाँ का वेदर देख के आपको पता लग जाएगा कि हम बहुत बढ़िया है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो बहुत ठंड लगती है तो मुझे लग ही नहीं था कि गर्मियाँ आई थी, आई थिंक नहीं आई थी, ऐसा लगा सर्दियों में मौसम जो चला जा रहा अभी तक। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में आगे की जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, मोस्टली और कुछ होता है नहीं, मैं अकेली बढ़ जाती हूँ, वर्मा जी सोए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज चाय से अपनी, हमेशा की तरह ही, और फिर कुछ नहीं, सुबह मौसम कुछ और बताता है, शाम को मौसम कुछ और बताता है, दिन में मौसम कुछ और बताता है। सुबह सुबह इतना भयानक कोहरा था कि देख कर ही लग रहा था कि आज फिर से बारिश वारिश होनी है, बट अभी देखो चटकती धूप आ रही है बाहर। जी अब देखो बाहर आ रही है एकदम चटकती हुई धूप। अंकल भी धूप सेक रहे खेतों में और यहाँ पे चल रहा मिस्टर वर्मा जी का कार्यभार। हेलो, हाय तो बोल दो फिर। आज ना वर्मा जी थोड़ा नाराज हो गए हैं, इन्हें मनाए गई स्क्रीन से निकल के तो आना ही पड़ेगा, आपके लिए तो आना ही पड़ेगा। स्माइल तो कर दो फिर एक बार। आज की स्माइल बहुत महंगी हो गई। तो चलो फिर अभी बाहर का मौसम भी सही हो गया है, थोड़ी देर धूप भी सेक लेंगे इसी बहाने। वाह, बाहर से जो धूप पड़ी मेरे फेस में उसके बाद में आप दिख ही नहीं रहे हो, पता है आप दिखोगे, आप ये देखो। तो चलो सुबह का वेदर देख के तो मुझे लग रहा था कि बाहर से लकड़ी वकड़ी जला वॉन फायर वगैरह करे थोड़ा, बस हो गया और कुछ नहीं ऑप्शन, बट अभी आ गया है धूप, अब चलते बाहर बाकी के काम निपटाऊं मैं अपने, पहले अंदर जो भी मेरा काम है वो निपटाते पहले। बंदरों का आतंक यहाँ अलग ही रहता है। और आज बड़े दिनों बाद धूप के दर्शन हुए हैं और मौसम साफ है, इधर तक का तो साफ है, आगे देखिए खराब भी हो सकता है शाम तक का। सब छत में निकले हुए हैं आज। किसका? मैंने कहा सब छत में निकले आज, कपड़े उपड़े सुखा निकले। तो नितिन गए हैं इस वक्त मार्केट, उनकी नींद में मैंने डाल दिया था आज खाना। तो उसके कारण नींद भी आई, तो अभी मार्केट में कुछ काम है उसके लिए गए हुए, और मौसम फिलहाल अच्छा है, आज उसकी भगवान करे ऐसा ही रहे, बस आप ज़्यादा खराब नहीं होती। फिलहाल मैं तब तक कुछ खाने के लिए तो एक लीटर लीटर पानी भर रहा और सब्जी भी थोड़ा वो मैंने खिलाड़ दी तब तक। अब देखते हैं दिन में क्या बनेगा, खाने का क्या सीन है, वो उनके आने पर डिपेंड करेगा। तो चलो मैं भी अपने बाकी काम करती हूँ, अभी मार्केट आने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। किचन में काम करने आओ तो साथ में बगल अगल बगल में भाभी लोग उनसे बातचीत भी हो जाती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट मेरा वैसा हो जाता है। अगर नहीं सकते हो बना रही हूँ छुका नहीं, तो छुका नहीं छुका नहीं सकती ना, मैं खाना रेडी करती हूँ।
क्यों हमारे यहाँ पे तो पहले ऐसे के तो पहले से हमारा घर टॉप में हुआ वहाँ पे ना हाँ। तो जो भी आकर चाहे जंगल में लकड़ियाँ खुले घास खुले खेत खुले कुछ भी होगा वहीं से आके आवाज देते थे हमारे छत से हो क्यों हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ आज भी होता है। अच्छा हमारे यहाँ जैसे गाँव में बोलते ना इतनी जगह होती है मेरे गाँव में कैसा है हम तो ऊपर रोड पर रहते हैं फिर नीचे गाँव में कैसा है जैसे यहाँ में भी उतनी जगह बारिश के चलते पानी भी इतना गंदा आ रहा है। ये देखो पहले ये पानी आया था पूरा मटमैला पानी है पूरा बहुत ज़्यादा और उसके बाद जाके अभी ये पानी आया है ये थोड़ा साफ है ज़्यादा नहीं है थोड़ा साफ है। बारिश के चलते ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हो गया देखो अब जब मौसम चलेगा तो पानी बाद में साफ हो जाएगा। तो मिस्टर वर्मा जी अंदर आ चुके हैं अभी सो रहे हैं या काम कर रहे हो बब्बू काम कर रहे हो आराम कर रहे हो तो ये कर रहे हैं आराम और अब हम जाते हैं छत पे जो कपड़े डाल के लेकर आती हूँ हम दोनों कुछ फैलाना है बस बढ़िया धूप आ रही है अभी तो मस्त वाली। ये देखो ये शैतान बच्चे दो जने हैं परेशान कर रखा मम्मी लोग को कितनी जल्दी भाग गई हैं गार्गी और दिस्सु है दिस्सु परेशान कर रही मम्मा को ना दोनों एक जैसे हो तो उनका हो हल्ला गुल्ला लगा रहेगा हो हल्ला हाँ बस बस बच्चों का हल्ला गुल्ला चलता रहेगा मेरे कपड़े भी सूख गए हैं मैं कपड़े उठा ले आती हूँ फटाफट से घर का बज रहा है एक और यहाँ पे मिस्टर वर्मा जी सोने की कोशिश करते हुए और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और इतना सारा काम लेके रखा अभी सारे कपड़े फोल्ड करने तब तक खाते दूध भात और फिर ये काम फिनिश हो जाए तो ठीक है नहीं तो फिर सो जाएंगे मेरी दादी को भी अब जी टाइम हुआ है 4:30 टाइम हो चुका है 4:30 और बहुत तेज धूप है चलो इसे बाहर से धूप तो आ रही है आज करते चाय पानी की व्यवस्था फिलहाल अभी मर्मा जी सो रहे जब भी उठेंगे तो चाय में पीते हैं तब तक धूप से कपड़ी आज से धूप आ रही है पूरी आज से कम हो गई आई थिंक इसे कह सकते हैं सूरज अस्त और बादल मस्त ये मेरा का मेरी कहावत है देखो शाम होते ही सूरज तो ढलने लग गया और ऊपर से बादल आने लग गया मेरे बाहर का मौसम खिड़की के जरिए दिखा रही हवाएं चलने लग गई है कौन कहेगा अभी दिन भर तेज धूप थी। तो अभी टाइम हो रहा है 6 और बारिश पड़नी फिर से शुरू हो गई है चमाचम फिर से बारिश पड़ने लग गई है क्या चप्पल खोलने लगी ये को पट ऐसे करके आगे को निकल गई ऐसे करके चाय ये सब चटाई में ला दी और हमारी चाय आ चुकी है अब पीते हैं चाय मौसम भी तो बढ़िया हो रहा है सुबह दिन भर धूप भी सिखा दी अब कह रहा ठंडा भी खाओ मुझे क्या आगे बढ़ना बस दो दो घंटे के लिए और दो तीन घंटे के लिए हुआ था मौसम इधर भी देखा सुबह से ठीक है अभी शाम शाम को ही हो रही है 4-5 के बाद से खतरनाक बस अरे हो गया तो आज के ब्लॉग को यहीं पर कमेंट करते हैं और आज मिलते हैं कल के ब्लॉग में बाय बाय कितनी जल्दी हो रही इनको आज का दिन भी घर के अंदर ही निकल गया हमेशा की तरह बस धूप आए ना कंटिन्यू तो आप भले सोए रहोगे मैं चले जाऊंगी कहीं ना कहीं घूमने थोड़ा कुछ तो मतलब खाली बैठने से ना जॉब है ना कुछ है कम से कम कुछ तो हो कुछ तो करे ये सोच के यहाँ पर ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है अभी फिर से
तो चलो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते ही एंड, और मिलते हैं आपसे आने वाले के नेक्स्ट ब्लॉग पे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। तो मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।